तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टेली प्राइम 2.0 और 2.1 आपको मोबाइल लाइक एंड्रॉयड और आईफोन पे अगर रन करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। इसके पहले आपको ब्राउज़र ओपन करना है। जैसे ब्राउज़र ओपन करेंगे तो हम लोग सर्च करेंगे TS+। जैसे हम लोग TS+ सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे TS+ की वेबसाइट शो होगी, TS+.net। ठीक है, ये एज अ पेड टूल से अगर आपके पास गोल्ड लाइसेंस है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये मैं ट्रिक इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी लॉकडाउन हो या कोई ऐसी सिचुएशन हो, इस टाइम पे ये काम आ सकता है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद हम लोग इसे सेटअप करेंगे। सेटअप करने से पहले आपको चेक करना है विंडोज़ वर्जन। ठीक है, आपका विंडोज़ लेटेस्ट होना चाहिए। लेटेस्ट नहीं होगा तो भी चलेगा, पर आपका विंडोज़ 10 प्रो होना कंपलसरी। ये सिर्फ 10 प्रो में ही काम करेगा। 10 प्रो के अलावा और कुछ रहेगा तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया। ये 15 डे ट्रायल है, ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। हम इसे अभी सेटअप करेंगे। तो अब हम सेटअप करेंगे TS+ के सेटअप को। डबल क्लिक करेंगे तो ये सेटअप होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको गूगल ओपन करना है। गूगल के अंदर आपको यहाँ पे टाइप करना है, सेटअप करने से पहले जावा वेरिफिकेशन। जैसे आप वेरीफाई जावा पे करोगे तो आपके सिस्टम में अगर जावा इंस्टॉल नहीं, तो आपको सबसे पहले जावा डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे डाउनलोड में जाओगे तो आपको यहाँ पे जावा सबसे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं एक बार जावा डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ सके स्टेप बाय स्टेप। जावा इसके अंदर कंपलसरी है क्योंकि ये बैकएंड के अंदर जावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ किया गया है, इसलिए हमें जावा इंस्टॉल करना कंपलसरी है। अगर आप जावा इंस्टॉल नहीं करोगे तो आप उसे रन नहीं कर पाओगे, इसलिए बेटर है कि आप जावा इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल जावा इंस्टॉल होने में बहुत ही कम टाइम लगता है क्योंकि जावा ये बड़ा सेटअप नहीं है, ये जस्ट एप्लीकेशन है हमें बाकी की एप्लीकेशन को सपोर्ट करने के लिए। आगे प्रोसेस करूंगा, ये हो गया इंस्टॉल। अभी हम लोग TS+ के सेटअप पे आते हैं। ठीक है, आपको करना है एक्सेप्ट इसका जो HTTP पोर्ट है और HTTPS पोर्ट है। ठीक है, अगर आपको वेब ब्राउज़र पे नहीं चलाना है टेली तो आप उसे डिसेबल कर सकते हो, पर हमें वेब ब्राउज़र के ऊपर चलाना था क्योंकि मोबाइल के अंदर वेब ब्राउज़र पे ही टेली हमें एक्सेस करना है, इसलिए हम लोग नेक्स्ट करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। तो इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन है वहाँ पर ये ईजिली इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे ब्लॉग के ऊपर भी आप विजिट करके आप इसके बात की जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अभी मुझे ये सिक्योरिटी नहीं चाहिए तो मैं इसको डू नॉट इंस्टॉल करूँगा और ये सेटअप फिनिश हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको रिस्टार्ट करेंगे। हमारा सिस्टम रिस्टार्ट हो चुका है। रिस्टार्ट पहले करने से पहले आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपका जो प्रोफाइल लॉगिन है क्या है, क्योंकि ये रिस्टार्ट होने के बाद आपका बाय डिफॉल्ट लॉगिन निकल जाएगा, आपको वहाँ पे मैन्युअली लॉगिन एंटर करना है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, सेटअप को हम लोग स्टार्ट करेंगे। एडमिन टूल ओपन हो चुका है। ये पूछ रहा है कोई वीडियो चाहिए तो हम लोग नो करेंगे। ठीक है, अभी ये मेरा लूप IP है और ये मेरा सिस्टम नेम है। ठीक है, और ये मेरा पोर्ट नंबर है। आपको पोर्ट नंबर चेंज करना है ताकि कोई भी अटैकर आपके सिस्टम को हैक ना कर सके। ठीक है, और ये क्या है, 15 डे ट्रायल एंटरप्राइज एडिशन 5 यूजर्स। अगर आप जावा इंस्टॉल नहीं करते तो ये जो स्टॉप और प्ले का बटन आपको विजिबल नहीं होता, और ये आपको सपोर्ट करेगा विंडोज
10 प्रोफेशनल और विंडोज 7 प्रोफेशनल, जो भी आपका विंडोज है वो प्रोफेशनल वर्जन में ही सपोर्ट करेगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, टैली हम लोग डाउनलोड करेंगे। तो आपको वापस से ब्राउज़र ओपन करना है, यहाँ पे लिखना है टैली प्राइम या टैली डाउनलोड, और यहाँ पे 2.1 वर्जन नहीं करना, हम उसके प्रीवियस वर्जन करेंगे 2.0 इंस्टॉल। तो ये सेटअप डाउनलोड हो चुकी, अभी इसको हम लोग सेटअप करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सेटअप करके रखा हुआ है, आप देख सकते हो ये रहा सेटअप करके। हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद इसके लोकेशन में जाएंगे, ये कहाँ पे इंस्टॉल है, क्योंकि हमें यहाँ पे पाथ असाइन करना होगा। इस पाथ को हम लोग कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद एप्लीकेशन में जाएंगे, आपको करना है ऐड एप्लीकेशन, और यहाँ पे आने के बाद आपको उस पाथ को करना है पेस्ट करके ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस सेटअप को सिलेक्ट करके सिर्फ आप टेस्ट करके भी देख सकते हो, ये ओपन हो जाएगा, हम लोग सेव करेंगे, ठीक है। सेव करने के बाद आपको जिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करके मैनेज में जाना है, हम लोग अभी जो यूजर एक्सेस कर रहा है टैली उसका एक लॉगिन क्रिएट करना होगा। तो हम लोग जिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करके मैनेज में भी कर सकते हैं, और आप विंडोज़ के अंदर कंट्रोल पैनल में भी जाके कर सकते हो। आप विंडोज़ प्रोफेशनल यूज़ करें तो ही आपको ये लोकल यूज़र एंड ग्रुप्स का मैसेज ऑप्शन शो होगा, वरना आपको शो नहीं होगा, होम बेसिक के अंदर शो नहीं होगा। यूजर में जाएंगे, यूजर में आपको न्यू यूजर करके सिलेक्ट करना, मैं भी टेस्ट करके सिलेक्ट कर रहा हूँ, पासवर्ड 1234 एंटर कर रहा हूँ। पासवर्ड आपको नेक्स्ट फर्स्ट टाइम चेंज करना है तो लॉगिन होने के बाद चेंज भी हो जाएगा, मुझे चेंज नहीं करता, मैं नेवर के ऊपर क्लिक करके क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। ये होने के बाद आपको क्या करना है, वेब पे जाना है, वेब पे विंडोज वेब क्रेडेंशियल पे जाना है, वहाँ पे ऐड न्यू यूज़र करना है, टेस्ट पासवर्ड 123। ये जो पहला लॉगिन है ये वेब लॉगिन है, ब्राउज़र लॉगिन, और ये है अगर आप उसको रिमोट एक्सेस करना है तो ये रिमोट एक्सेस के लिए है। दोनों हम लोग एक यूज़र का दो सेशन, दो करंट सेशन हम लोग करेंगे, सेव करेंगे, फिर हम वापस से सेव करेंगे एंड ओके। उसके बाद आपको करना है वेब पोर्टल डिज़ाइन, वेब पोर्टल डिज़ाइन में आपको यहाँ पे इमेज चेंज करना है, तो आप यहाँ से इमेज भी चेंज कर सकते हो। सेव करेंगे, सेव करने के बाद इसे क्लोज करेंगे। नेक्स्ट में हम लोग सेटिंग करेंगे HTML5 क्लाइंट की। HTML5 में आपको यहाँ पे कीबोर्ड सेटिंग करना है, सेव करना है। उसके बाद नेक्स्ट में है आपको वेब पोर्टल प्रेफरेंस, वेब पोर्टल प्रेफरेंस में आपको यहाँ पे करना है GUI, यहाँ पे हमें रिमाइंडर लास्ट मिनट को डिसेबल करना है, सेव करना है, ओके। बस इतना सेटिंग करना है, इतना सेटिंग करने के बाद तो क्या करना है, इस एप्लीकेशन को असाइन करना है पर्टिकुलर यूज़र पे, जो यूज़र आपने अभी बनाया है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी मोबाइल के अंदर हम लोग ये क्रॉस चेक करेंगे कि टैली ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। गूगल क्रोम ओपन करेंगे, वहाँ पे हमारा जो लोकल आईपी होगा वो लोकल आईपी को हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं मेरा लोकल आईपी है 192.168.105। आपको सिर्फ आईपी में एंटर करना है, आपको पोर्ट एंटर नहीं करना है। आप अगर आप बाहर से एक्सेस कर रहे हो तो ही पोर्ट एक्सेस एंटर करना है, यानी पोर्ट फॉरवर्डिंग कर रहे हो तो ही, और लोकली एक्सेस कर रहे हो मोबाइल के थ्रू तो आपको आईपी डालना है, पोर्ट नहीं डालना है। अभी मेरा जो यूजर आईडी था टेस्ट, मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, और जो पासवर्ड था 1234 मैं यहाँ पे टाइप करूँगा और लॉगिन करूँगा। जैसे मैं लॉगिन करूँगा तो मुझे यहाँ पे सक्सेसफुली एक जो मैंने एप्लीकेशन असाइन की वही एप्लीकेशन मुझे शो होगा, ना कि पूरे विंडोज शो होगा। सिर्फ टैली असाइन किया है पर्टिकुलर यूजर को तो मुझे सिर्फ टैली ही शो होगा। ये बेस्ट एप्लीकेशन है अगर आपको पर्टिकुलर यूजर को एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर एक्सेस करवाना है। तो देखो आप देख रहे हो मोबाइल के अंदर टैली ओपन हो रहा है, और यह मेरा एजुकेशन मोड है, लाइसेंस नहीं, अगर गोल्ड है तो आपका ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेरा ट्रायल पे इसलिए मुझे पूछ रहा है, एजुकेशन मोड में जैसे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे मेरी कंपनी ओपन कर पा रहा हूँ, मेरे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस भी देख पा रहा हूँ। अगर आपको इसके अंदर
और कुछ भी बहुत सारी जानकारी चाहिए तो बहुत सारी जानकारी भी आपको यहाँ पे टैली के अंदर शो की। जैसे हम कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं वैसे हम लोग मोबाइल के अंदर भी इजीली और आसानी से एंट्री कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक पूरा देखिए ताकि आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम ना आए और आपके सारे स्टेप वन बाय वन सारे कंप्लीट हो। आप देख रही है प्रॉफिट एंड लॉस। अभी आप यहाँ से अगर आपको प्रिंट करवाना है तो आप यहाँ से प्रिंट भी करवा सकते हो। ऊपर देख रहे हैं आप छोटा सा डॉट है, इसको फुल स्क्रीन भी कर सकते हो और स्क्रीन को अगर छोटा करना है तो वापस से बॉक्स पे सिलेक्ट करोगे तो स्क्रीन एज इट इज फॉर्मेट में आ जाएंगे। ये जैसे आपको डेस्कटॉप में व्यू दिख रहा है वैसे सेम आपको मोबाइल के अंदर व्यू शो होगा। ये होने के बाद हम लोग प्रिंट देखेंगे कि अगर यहाँ से अगर मोबाइल से प्रिंट करना है तो प्रिंट आ सकती है कि नहीं आ सकती। आपके सिस्टम में जो प्रिंटर इंस्टॉल होगा लोकली वही प्रिंटर पे ये प्रिंट फायर होगा। जैसे मैं प्रिंट बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ से प्रिंट आ जाएगी। आप देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का मोबाइल से भी प्रिंट आ चुकी है। हमने प्रॉफिट एंड लॉस का प्रिंट आउट निकाला है। इस तरह आप मोबाइल से भी प्रिंट निकाल सकते हो और मोबाइल से भी टैली एक्सेस कर सकते हो। इस तरह आप आपके मोबाइल के ऊपर कहीं से भी आप इंडिया और आउट ऑफ इंडिया भी आप इसे एक्सेस करवा सकते हो विद द पोर्ट फॉरवर्डिंग के अकॉर्डिंग। अगर आप पोर्ट फॉरवर्डिंग में भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपके पूरी तरह से हेल्प करूंगा। और आपको अगर ज़्यादा इसके बारे में डिटेल चाहिए तो theastech.com पे जाओगे तो आपको यहाँ पे ब्लॉग के अंदर भी मैं वहाँ पे मेंशन कर दूंगा स्टेप बाय स्टेप के कैसे ये एक्सेस होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द एस टेक चैनल।